चोरी छोटी, ये बैग चुरा ली मेरी वहाँ से। मैंने कब चुराया? शरम हरम नहीं आती चोरी करते हुए? मैंने कब चुराया? देखो ये चोरी और छोड़ दो नहीं तो मैं कंप्लेंट डाल दूंगा। मैम ना प्रैंक कर रहे थे आपने ना चाटा जोर से मार दिया। प्रैंक वीडियो चल रहा था। अबे खेवड़ी इतना मटक मटक के किधर जा रही है? तमीज सिखाई है बच्चे को देख क्या रही है खेवड़ी? भाई जान आप इसे थोड़ा तमीज सिखाइए। डिसाइड कर ले भाई है कि जान है। अरे मैं हूँ चौकीदार कसाला। ओ मैडम एंट्री करो जल्दी से आके। चौकीदार है? हाँ तो तू कैसे बोल रही है? तू कहेगी कलेक्टर हो? वो 5 मंजिल की बिल्डिंग दे रही है पूरी। कौन सी बिल्डिंग? मतलब वही बनेगी 5 मंजिल की। घबड़े जाके एंट्री करवा। अबे खेबड़ी तेको भी चलना पड़ा। तमीज से बात कर, समझ गया? अच्छा तूने वो तमीज से करी थी ऐसे? जब खुद को नहीं आना उधर चल जल्दी एंट्री करा। अरे के भैया आपको सुबह सुबह समझा मैंने, आप फिर आ गए। सुबह का भी बिल बाकी यार भैया आपका, गलत बात है ना? शादी में आए तो कितनी बार लोग तो भैया लिफाफा लिफाफा ना कीजिए, मेरा चार्ज अलग है। और मैडम आप ये मत सोचो आपने ज्यादा मेकअप थोपा तो ज्यादा पैसा लगेगा। अरे भैया लिफाफा निकाला शादी में तो ये लिफाफा, तो ये लिफाफा अलग है, वहाँ देना वो तो दूल्हे को, मेरा चार्ज अलग है। ये जो खाना खा रहे हो ना आप इसका चार्ज अलग पार्क का एग्जिट कहाँ से? कैसे बोल रहे हो आप? रास्ता बताया ना तुमने? कैसे बोल रहे हो आप? ये एटीट्यूड में किसको बोल रहे हो? बताया राइट टू लेफ्ट बोला तो राइट टू, तो ये क्या होता है? राइट टू लेफ्ट, शट अप। देखो मैडम, एक्सक्यूज मैम। यस हेलो, व्हाट इज दिस? मैम 2 किलो आटा दे दो। पागल समझ खाई गया, ये आटा चक्की की दुकान है किराने की? मैम ये मुँह पे तो थोप रखा ना, दे दो अब, मुँह धोके दे दो, मैं सुखा लूंगा घर पे। पागल, अरे मेरे पैसे तो दे दे। जहील कस्टमर को जहिल कर गई खेबड़ी, भूखा मार दिया। हेलो हाँ भाई, अरे एक काली सी भैंस खड़ी है सफेद कलर का भालू लेके, देख उसके पास में खड़ा हूँ। मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ आप भैंस हो, उसमें क्या? मैम एक सेकंड रुक जाओ भाई, फोन काट रहा हूँ मैं। ये देखो ये फ्रंट कैमरा ऑन है, पागल भैंस कही की यहाँ पे खड़ी फालतू में पूछ हिला रही है। चल रहे उठ खड़ा हो भाई, क्या हुआ? किससे पूछ के बैठा तू मेरी गाड़ी पे? आपकी गाड़ी क्या भाई? देखो बताओ उसका स्टैंड कितने का आता है? नहीं पता यार भाई कितना। 2000 रुपए का आता है स्टैंड, और मेरे को तेरी शक्ल देख के लगता नहीं कि तुम 10 रुपए की लोगे टूट जाएगा। बात करो जरा, सही वो तक तोड़ जाएंगे गाड़ी का, कुछ कर दिए बैठने वाले, देख लो कुछ करा हो तो। अबे फकीरों चले जाओ यहाँ से, तमीज से भाई, तमीज से बात होती है जरा, इज्जत से, समझ लो ना तमीज। तमीज बताओ, देखो ये गाड़ी मेरी थी। एक्सक्यूज मैम, ये 20 उबट्टी का चश्मा पहन के इतना इतरा के चल रहे हो आप? अबे 20 का नहीं है, 500 का है। अबे 500 का मेरी खुद की दुकान है, मैं 10 का खरीद के मैम मैं खुद 20 का बेचता हूँ। तेरे बाप का क्या जरा, मैं कुछ भी पहनूं? तो मैम पहनो तो फिर महंगा वाला पहनो, कर इतरा के चलना है। चल निकल जा फटाफट यहाँ से, 20 रुपए का चश्मा पहन के आ जाएगी। यार एक्सक्यूज मी, अभी इतनी ठंड थोड़ी ना पड़ रही? हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, नहीं घर से नहा के आना चाहिए ना। मैं नहा के ही आई, मैं नहा के ही आई हूँ, ये है ना मेरे सामने झूठ बोल। पागल कुछ नहीं होता, घर जाके कांस देखना, कांस तुमसे ज्यादा साफ मिलेगा। बदतमीज बोल रहे मेरे को। भाभी बस बहुत हुआ, अब मैं भैया को तुम्हारी सच्चाई बता के ही रहूंगा। क्यों क्या हुआ? तुमने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे पर हुआ क्या बताओ तो सही। जब भी मैं मेरे किसी दोस्त से पूछता हूँ कि किससे बात कर रहा है तो बोलता तेरी भाभी से बात कर रहा हूँ। यार अभी मैं टॉयलेट में गया था, वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ था दुनिया चांद पे चले गई, और तुम यहाँ बैठे हो। तो फिर मैंने भी दीवार पे लिख दिया चांद पे पानी नहीं है, इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ।